आओ गाइस आओ पधारिए। कैसा रहा आज का दिन? बहुत बढ़िया। आई एम बैक। कैसा रहा भाई? आओ आओ बैठो बैठो। ये मेहमानों के लिए यहाँ भी लगा रखा। हाँ आज तो पूरे दिन भर खातिरदारी होगी। चलो आओ बैठो बैठो। आओ गाइस जूते उतार लो ना फिर तब बैठ जाओ वहाँ। तो भाई और पानी तब मिलेगा, पहले बताओ कैसा लगा, कैसा रहा दिन आज तुम्हारा? बस दिमाग बढ़िया है, सब कुछ ठीक है, बढ़िया है। हाँ अब तुम अगर ठीक रहो तो तब बढ़िया है। हाँ उनका हिसाब किताब सब बढ़िया था, सब ठीक था। क्या क्या खाते थे? हाँ हमें ठीक रहना है वहाँ, है ना? दूसरे से चालू नहीं किया हमारे, खुद ठीक रहना चाहिए। जब हम ठीक रहेंगे तो सामने वाला भी ठीक रहेगा, ठीक रहेगा। कुल मिला के जो हमने देखा है तो अच्छा है, बढ़िया है, सब शरीफ है, अच्छे लोग है, इज्जतदार है, है ना? अच्छा है, ठीक है, बढ़िया है। जमीन जगह पुंगड़ा पाड़ा गोर बाछरा सब है, सब गाय है। और बस बाकी ठीक है, सब बढ़िया। प्रॉपर्टी अपनी गाड़ी है, टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है, सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। बढ़िया है, सब ठीक है। तू जितनी बर्बादी कर सके इसका तो यही है। तो फिर एक नए दिन की शुरुआत हो गई है और सुबह सुबह हम लोगों के सारे काम निपट चुके हैं। आज हम लोग घर में हैं, मैं पापा मम्मी, तो हम लोग कर रहे हैं थोड़ा बहुत सफाई क्योंकि ऐसे ही होता है, और मेहमान भी आने वाले हैं कुछ दिन में, तो इसलिए बढ़िया है कि कुछ महीने में मेहमान आ जाते हैं तो इसी वजह से घर की साफ सफाई भी हो जाती है। अब आप लोगों को पता चलेगा कि कौन है वो मेहमान। मम्मी तो किचन की सफाई में लगी हुई है। जय श्री राम, राधे राधे, राधे राधे, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे हो, कि अच्छे होंगे। हम भी ठीक है। और आज चल रही है साफ सफाई, आज चल रही है साफ सफाई क्योंकि मेहमान आने वाले हैं। आने वाले हैं, बीच बीच में मेहमान आने चाहिए भाई। हाँ क्यों? हम क्या गला रहे जाना। हाँ भाई मेहमान हो तो चटकी है, थोड़ा सा कि चलो आएंगे साफ सफाई करनी पड़ती है। मेहमान बीच बीच में और चढ़ा क्या? अब बस हमारा रोल तो खत्म हो गया। नहीं नहीं अभी है तुम्हारा, हमारा तो इतना ही था। और यहाँ पापा लगे हुए हैं, पापा से सांस कर लो होते कमरा में तो पापा लगे हुए सूरज के कमरे में साफ सफाई करने पे, ये सारा सामान निकल गया क्या? हाँ भाई पापा इसी के लिए आते हैं। तो सूरज के कमरे में साफ सफाई चल रही है। मम्मी अब दिखाओ कि हैंगर बिछनी है कमरे में, नहीं तो सूरज के कपड़ों के लिए ये हैंगर लगे हुए हैं ना, और अब दिख रहा है कि हैंगर भी है, पता क्यों? वरना उसने डैम्प लगाया रहता था कपड़ों का। मम्मी भगवान का समय इनको दिन पर साफ कर जो। हाँ हैंगर खाली हो रखे हैं और उसने डैम्प लगाया रहता था यहाँ ऊपर तक। यानी बोलो मम्मी किस खिड़की अम्बे टेबल दिखाओ नहीं चौबा भेरी था कपड़ों डैम्प लगाया था। अब पापा आए ना कुछ दिन पहले, पापा आ रखे थे तो इसलिए सूरज ने फिर वो हटा दिया बोर्ड, अब बाहर दिखने लग गया। और इसके कमरे में पता नहीं ऐसी स्मेल से आती है, ऐसे आता है गंदा गंदा होता नहीं है। नहीं सुन ये हर लड़कों को, मैंने एक रील देखी थी ना इंस्टाग्राम पे कि जैसे ही मैं एंटर करती हूँ अपने भाई के रूम में तो ऐसा होता है। और वो जेन्युइनली होता ही है, लड़के लोग आते हैं सीधे कपड़े इधर उधर तो ऐसे ही रहता है उनका। जूतों की नहीं भी नहीं। हाँ भाई, पकड़ पकड़ के पकड़ पकड़ी तो नहीं हो तब ये तो कहता तो आती है मैंने बात नहीं ना मैं क्या। हाँ। लेकिन वो जो ना हाथ में धोए सुबह गीला कपड़ा सीधे सीधे इसमें रख दिया तो बाहर रखो ना एक बार सुखा के तब अंदर रखो तब स्मेल ले आते कपड़ों के ना। वैसे ही स्मेल नहीं लेकिन कॉलेज में छोड़ा ना तब आप भिगड़ा छे ना वो जैकेट वो क्यों के दिन महा मोदी है कि तब आगे भाई ये गिरो है ये पर वो लगियो फफूंदी चल लगी कपड़ों पे फफूंदी लग गई। तो इसलिए आज थोड़ी बहुत साफ सफाई चल रही है। और मैं तो निकल रही हूँ थोड़ा मार्केट के लिए एक दो सामान। ये तो ये काम से तो मैं भी एक दो काम के लिए जा रही हूँ, जैसे वो काम निपट जाएगा 5-10 मिनट का है तब आ जाऊंगी मैं। हाँ तो पीछे से मम्मी लगी रहती है साफ सफाई के लिए। ठीक है गाइस मैं जा रही हूँ। ठीक है बोला। अरे तो देखो बताइए पेन भी देखा मैं ये है। हाँ यहाँ कई तरह के सामान मिल रहे हैं, दर्शन लिखा है इसमें। हाँ लेकिन अभी देखा मैंने खोल के क्या चीज है ये। हाँ इसमें चार धाम दर्शन लिखा हुआ। हाँ हाँ लेकिन अभी देख रहा हूँ खोल करके। हाँ। इसमें ये ओ भाई साहब ये लिखा हुआ बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री यमुनोत्री। हाँ, ये बद्रीनाथ से लेके आए थे हम। हाँ। और ये जो है ये ऐसे चले गए। हाँ
बोल भगवान ने अभी कृपा नहीं कर पेन धरी तब तर तू वो धरी मेहनत कन पर दी पेन पर भगवान धरी नहीं होता। आज काम था तो मैं जाती नहीं, लेकिन मुझे एयरटेल के ऑफिस में जाना था। मैंने एक सिम था अपना जो पोर्ट कराया था जियो में, तो उसके रिचार्ज वगैरह की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए मुझे एयरटेल के ऑफिस में जाना था, तो इसलिए मैं ऑफिस में जा रखी हूँ। यहाँ पे मैं कुछ बोल नहीं पा रही क्योंकि कभी कभी कुछ लोगों के सामने शर्म भी आ जाती है जो अनजान होते हैं। और ये मैंने फ़ोन हाथ पे पकड़ा हुआ है, इतना अच्छा व्यू आ रहा है पीछे। तो फिर थोड़ा सा ही मेरा काम था, तो मम्मी लोग सोच रहे होंगे कि जिस जिस दिन ये काम होता है उस दिन ये कहीं चले जाते हैं, क्योंकि उस दिन मेरे अपने खुद के पर्सनल काम हो जाते हैं। इसलिए मैं थोड़ा सा एक घंटे के लिए यहाँ एयरटेल ऑफिस गई थी वहाँ पे एक दो काम करने के लिए, क्योंकि अपने सिम में कुछ करना था मुझे, तो इसलिए अब मैं जा रही हूँ वापस। पता नहीं आवाज़ आ रही होगी कि नहीं, मैं स्लो मोशन में तो चल रही हूँ, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा होगा। आज पता नहीं मौसम भी ख़राब हो गया है, ऐसा है कि जैसे मैं आज ब्लॉग बना रही हूँ ये कल आप लोगों को मिल जाएगा, तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होगी कि ये कब का ब्लॉग है, एक दिन पहले का ही रहता है। तो आज बिल्कुल मौसम ख़राब हो रहा था, एक दो दिन में फिर बारिश आएगी। और ये लाई मैं एक दो सामान, पापा जब आए रहते तो अलग अलग तरह की चीज़ें लानी पड़ती है सफाई के लिए काम के लिए, तो इसलिए इसमें है ब्लीचिंग पाउडर और वाइट सीमेंट। मैं आ गई कदा कदा वे सब ये तो बनी हुई हूँ, ये तो और गंदा हो गया अभी पूरा। हाँ हाँ, तो आज एक दिन एक कमरे की सफाई होगी। मम्मी कर जा मम्मी, ओ हो मम्मी कपड़े धो रही। हाँ किताबें रखी हुई है, ऐसी दाएं बाएं फेंक करके नहीं, पढ़ाई लिखाई है नहीं पर किताबें इधर ही रखी हुई है, ये सबका है। वो अकेला माहिर नहीं है कि किताबें रखी है और पढ़ाई करता नहीं है, हम सब ऐसी है। ये किताबों के बेड के बगल में किताबों के डैम्प रखे हुए हैं बस, और पढ़ाई करनी नहीं है, खाली वो सफाई करने की खिसकाने की आफत रहती है कि इन किताबों को साइड करो साइड करो, कभी पढ़ने का मौका ही नहीं मिलता। देखो मेरी भी इतनी सारी किताबें हैं, इतनी सारी चीजें हैं, कौन ही पढ़ रहा है इनको, कितनी और खतरनाक खतरनाक किताबें हैं। लोग ये यूपीएससी के लिए पढ़ते हैं, ये वाली किताब देखो, हाँ ये वाली लोग यूपीएससी के लिए पढ़ते हैं। ये पेपर जो नेट का एग्जाम हुआ होगा आज तक, ये उसके पेपर सॉल्व है, सिर्फ एक दो ही पेपर सॉल्व कर रखे मैंने इतनी किताब में, कोई कमी नहीं है, सब एक जैसे है। तो ये शीशा भी निकल गया आज, बारी लगेंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही दिन हम लोग पूरी सफाई करेंगे, आज कुर्सियां धोएंगे धीरे धीरे करके, हर चीजें साफ होंगी। तो ये वाला लाई थी मैं, मतलब अमेजोन से, बहुत अच्छा शीशा है ये, इसका ना इसकी वजह से कमरे का लुक ही अलग आता है। जब कोई काम निपटता है तो कितनी खुशी होती है, जब सोचते हैं इतना काम करें तो टेंशन बनी रहती है, और जैसे जैसे काम खत्म होता है फिर मजा आता है। और दिन सामान ज्यादा रहता है इसलिए इतना अंधेरा अंधेरा सा लगता है। आज ये पर्दे वर्दे निकल गए तो बहुत खुला सा लग रहा है, मतलब उजाला भी लग रहा है, इतना अंधेरा नहीं है आज। और साथ में यहाँ पे मेरा खाना भी बन रहा है, एक तरफ है चौसा, आज रायता होगा और चावल होंगे। सफाई तो क्या ही होगी, लेकिन फिर भी ये चीजें मतलब गलत तरीके से रखी हुई थी, सूरज ने ऐसी फैला के रखा हुआ था, तो बस पापा ने इसको सेट करा, बाकी तो सफाई क्या ही। अभी रात के खाने बन रही है, यहाँ पे मिक्स वेज है और ये तो बन के तैयार हो गई है, और इसके अलावा यहाँ पे है तेड़ू पिंडालू, इसमें हमने तेड़ू और पिंडालू दोनों मिक्स करे हुए हैं, क्योंकि थोड़ा कम कम थे तो हमने पूरा मिक्स कर लिया इन दोनों को। आजकल पापा आ रखे हैं तो एक दो आइटम बन ही रहे हैं, और ये रात को मैं इतना खाऊंगी नहीं, लेकिन मम्मी ने मेरे को दे दिए हैं ये पिंडालू, ये सब्जी और रायता। तो चलिए फिर मिलते हैं एक अगले नए ब्लॉग में, वो मैं अभी रात को 11-12 बज रहे हैं और मैं वीडियो एडिट कर रही थी, मम्मी भी आ रही है बाहर, तब तक 11-12 बज रहे थे, तो मेरे को याद आया यार वीडियो तो खत्म की नहीं, और हमेशा ऐसे ही हो जाता है, बाद में ही याद आ जाती है, तो इसलिए समय आ चुका है आज के ब्लॉग को यहीं पे खत्म करने का। बाय बाय, शुभ रात्रि।